मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या शासकीय स्कूल में कोरोना से बचने के लिए स्कूल के ग्राउंड में क्लास चल रही है। यहां सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चे मास्क भी लगा रहे हैं। भोपाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। इसी बीच ये तस्वीरें आप भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या विद्यालय की देख रहे हैं, जहां पर क्लास जो है वो ग्राउंड पर चल रही है। और उसका कारण यह है कि एक तो कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी बैठ सकें, और जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, शीतलहर चल रही है, ताकि धूप में ये पढ़ाई और बेहतर हो सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है। 11th क्लास इस वक्त चल रही है और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बच्चे जो हैं वो लगातार संक्रमित हुए हैं। पूरे प्रदेश के अगर आप आंकड़े की बात करते हैं तो 300 से ज़्यादा बच्चे अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। इन बच्चों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? दीक्षा कोचले। दीक्षा, ये बताइए कि कोरोना के मामले बढ़े हैं, बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भी डर लगता है ऐसा कि चलिए अब स्कूल जा रहे हैं और सावधानियां बरतनी होगी? डर तो लगता है, फिर भी हम पढ़ने के लिए हमें ये आ जाते हैं, मास्क सैनिटाइजर यूज करके आ जाते हैं। मतलब कोविड गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखते हैं? हाँ सर, रखते हैं हम। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? सर दर्पण यादव। आप ये बताइए कि आपके पेरेंट्स के मन में और कितना डर रहता है? थोड़ा सा आप लोगों को बार बार टोकते होंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप? जी सर, बहुत बहुत बार बोलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर मास्क ये जरूरी है इसलिए सर। आपसे भी बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा विश्वकर्मा है। नेहा जी, ये बताइए कि आप लोगों को कितनी सावधानी बरतनी पड़ रही है ऐसे में जब बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं? हमें सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करने पड़ते हैं, मास्क लगा के रखना पड़ता है, और हमें सावधानी से घर जाना पड़ता है, किसी से हाथ नहीं मिलाना पड़ता है ऐसे में। अभी आप लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग में है और धूप में भी पढ़ाई हो रही है, ये कितना बेहतर तरीका? बीमारी से बचेंगे, कीटाणु भागेंगे दूर दूर, हमारे पास नहीं आएंगे कीटाणु, किसी के पास नहीं जाएंगे, इसलिए धूप में बचने के लिए कीटाणु भगा रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस स्कूल की, जहाँ पर जितने भी ये छात्राएं हैं सभी इस तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं। अगर पेरेंट्स की बात करते हैं तो उनके पेरेंट्स ने ये बात ज़रूर कही है कि आपको तमाम तरह की सावधानियां बरतनी होगी। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ स्कूल जारी है, मगर कम ही बच्चे स्कूल्स में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वीडियो न्यूज़ अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।